अच्छा जी, कीवर्ड रिसर्च पे बात कर रहे थे हम। हाँ, हमने देखा था कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो मैंने बताया था दो तरह के कीवर्ड्स होते हैं, छोटे कीवर्ड्स होते हैं और एक बड़े होते हैं। जो शॉर्ट कीवर्ड्स होते हैं वो तीन वर्ड्स वाले होते हैं, और जो बड़े कीवर्ड्स होते हैं वो तीन वर्ड से बड़े होते हैं। मगर कीवर्ड जो होते हैं ये कोई पैराग्राफ तो नहीं होता, ठीक है ना, ही सेंटेंस होता है, ये तो सर्च टर्म्स होती हैं जो लोग ढूंढ रहे होते हैं गूगल पर आकर। जैसे हमें कोई चीज़ खरीदनी हो, लैपटॉप खरीदना हो, माउस खरीदना हो, मोबाइल खरीदना हो, तो हम गूगल पर आकर कुछ सर्च करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे कीवर्ड्स नहीं होंगे ये, मतलब यहाँ तो तीन वर्ड्स होंगे, पांच हो सकते हैं, सात हो सकते हैं, नौ हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी हो गए तो इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते, ठीक है। फिर हमने कहा भाई ये जो होते हैं किस तरह के होते हैं, हमने कहा कुछ ट्रेंडिंग होते हैं जो किसी किसी खास टाइम पर चलने वाले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लाइफ टाइम होते हैं, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम साल भर खरीदते रहते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सीजनल खरीदते हैं, ठीक है। तो जो सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके जो कीवर्ड्स होते हैं वो भी सीजनल होते हैं, और जो लाइफ टाइम प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे आप गारमेंट्स परचेज कर रहे हो अपने लिए, वो तो आप लाइफ टाइम है ना, उसकी कोई ऐसे तो नहीं है कि बंदा कर, हाँ ये है कि स्पेसिफिक गारमेंट्स हो वो एक लायदा चीज़ है, लेकिन जो जनरल गारमेंट्स हैं वो तो पूरा साल चलते रहेंगे। इसी तरह लैपटॉप्स लोगों ने खरीदने हैं, तो उसका भी कोई खास सीज़न तो नहीं है कि इन दिनों में लैपटॉप लोग खरीदेंगे। हाँ, किसी ने फ़ैन खरीदना है इसका सीज़न है, किसी ने एसी खरीदना है इसका सीज़न है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो लाइफ टाइम होती है, तो हमें ये भी देखना होता है। फिर मैंने कहा कीवर्ड्स जो होते हैं, मैंने आपसे दो तीन फाइलें शेयर की हुई हैं ना, एक फाइल के अंदर वो जो मैंने सारा लिखा था वो भी शेयर किया, टेक्स्ट फाइल भी शेयर की हुई है ग्रुप में। हाँ, तो कीवर्ड मैंने कहा था कि मैक्सिमम हम कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, 2%, यानी कि अपने कंटेंट के अंदर 2% कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर हमें 2% से ज़्यादा कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर मेरी वेबसाइट में 100 वर्ड्स हैं सपोज, तो 2% का क्या मतलब हुआ, 3% का क्या मतलब हुआ, 3 वर्ड्स मतलब 2 से 3% तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उन 100 वर्ड्स में से मेरे कीवर्ड जो हैं वो 3 ना हों, ज़्यादा हों, 5 हों। तो अगर मैं 5 करूँगा तो ये कीवर्ड स्टफिंग कहलाएगी, तो गूगल इसको पसंद नहीं करता, यानी कि फिर वो हमारी वेबसाइट को रैंक भी नहीं करेगा। लेकिन इसके लिए हम जिसने हमें एक और चॉइस दिया और वो है क्या है, LSI कीवर्ड्स। LSI कीवर्ड्स कैसे कीवर्ड्स को बोलते हैं, ऐसे कीवर्ड्स जो थीमेटिक हो, यानी जो कीवर्ड्स हमारे कीवर्ड्स के टॉपिक से मैच करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा कीवर्ड क्या है, मैं तो मिसाल के तौर पर हमारा कीवर्ड है कंप्यूटर कोर्सेस, अभी हमारा प्राइमरी कीवर्ड है, लेकिन इसको मैं 3% ही यूज़ कर सकता हूँ ना मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो यूज़ नहीं कर सकता। तो लेकिन अगर मैं 3% से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहूँ तो मैं ये अगर लिखूँ कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, अब देखें वो क्या है, कंप्यूटर कोर्सेस, ये जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है ये कौन सा कोर्स है, ये भी तो कंप्यूटर कोर्स ही है। फिर कोई बंदा लिख देता बेस्ट ग्राफिक्स डिप्लोमा, अभी जो ग्राफिक्स डिप्लोमा है ये भी कंप्यूटर कोर्स है, ये मेन कीवर्ड भी नहीं है हमारा, मगर इन दो कीवर्ड से हमारा थीम भी बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से आगे ये फिर इसकी रीबर्थ हो गई ना, ये दोबारा से पैदा हो गया कीवर्ड, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो कीवर्ड है इसको भी हम 3% इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर भी फर्दर कैटेगरीज आ सकती है ना, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्सेज। तो ये क्या हो रहा है कि हम कीवर्ड्स को भी इस्तेमाल कर रहे हैं और कीवर्ड्स के टॉपिक को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। सो रियल वर्ल्ड में आज के वक्त में गूगल ये कहता है कि सिर्फ कीवर्ड्स पे काम नहीं करना, बल्कि आपकी वेबसाइट का जो टॉपिक है फिर उसके मुतालिक भी अपनी वेबसाइट में बताओ, यानी गूगल हमें ये कहता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो हेल्पफुल कैटेगरी में आनी चाहिए, यानी जो विजिटर्स हैं उनको हेल्प कर रही हो, ऐसा ना हो कि बस आप सिर्फ उसको रैंक करने के लिए किसी कीवर्ड के ऊपर तो लिख ही जाए बार बार कि बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन, लेकिन वेबसाइट के अंदर कुछ भी ना लिखा हो उस कंप्यूटर कॉलेज के मुतल, तो हेल्पफुल तो ना हुआ ना, हेल्पफुल तो तब होगा जब सारी डिटेल आ रही होगी। कोई भी बंदा अगर बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज ढूंढ रहा है तो एक्चुअली करना क्या चाहता है, वो कोई कोर्सेज करना चाह रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अपनी वेबसाइट में कॉन्टेंट ऐसा बनाना है कि जो लोगों को हेल्प करे। हेल्प करने का मतलब ये नहीं कि हम कोर्सेज करवा दें, हेल्प करने का मतलब ये है कि वो जिस तरह की इंफॉर्मेशन लेना चाहता है वो सारी इंफॉर्मेशन उसे उस वेबसाइट के अंदर से मिल जाए, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कौन से होते हैं जी, LSI, LSI स्टैंड फॉर
लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग, ठीक है, ये इस चीज़ का एब्रीविएशन है। और इसको हम आसान अल्फाज में क्या कह सकते हैं, थीमेटिक कीवर्ड, यानी कि थीम वैसा हो जैसा हमारे कीवर्ड का थीम। तो आपने देखा ना जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, थीम एक ही है ना, थीम तो एक ही है, ये भी कंप्यूटर कॉलेज है, कंप्यूटर कोर्सेज हैं, ये भी कंप्यूटर कोर्स है, तो थीम मिल रहा है ना, थीम मिलना चाहिए। जैसे मैं कहूँ ना कि मेरा कीवर्ड है एमडी कैट प्रिपरेशन, इसका मतलब क्या हुआ, इसके थीमेटिक कीवर्ड्स क्या बन जाएंगे, एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। अब जो एमडी कैट प्रिपरेशन क्या है, ये एंट्री एग्जाम के लिए होता है ना, तो एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन भी तो उसी के लिए होता है। इसका मतलब क्या, एक और क्या हो जाएगा, एंट्री एग्जाम्स, फिर क्या हो सकता है, यूईटी एग्जाम प्रिपरेशन। अब ये देखें ये कब आएगा, ये इस एमडी कैट पे तो ये नहीं ट्रिगर करेगा, ये ट्रिगर करेगा ईकैट पर, ठीक है ना। तो अब इसका ईकैट प्रिपरेशन के ऊपर हमारा थीमेटिक कीवर्ड क्या बन गया, ये थीमेटिक कीवर्ड्स हमने खुद बनाने हैं। जैसे हम अपने लिए चीज़ों को समझने के लिए आसानी कर लेते हैं ना समझने के लिए, इसी तरह हमें ये देखना है कि हमारा जो कीवर्ड है उसका थीम क्या है, उसके थीम से जो वर्ड्स बनते हैं हमने उसके भी कीवर्ड्स बना रहे हैं। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, वोकैबुलरी इकट्ठी कर रहे हैं, वोकैबुलरी इकट्ठी कर रहे हैं ना, किस चीज़ की वोकैबुलरी है, ये आपकी वेबसाइट की वोकैबुलरी है। तो जब ये सारे वर्ड्स मेरे पास आ जाएंगे ना, इन वर्ड्स को मिलाकर मैं कॉन्टेंट लिखूंगा। देखो मेरे पास क्या वर्ड आ गया, मेरे पास आ गया एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, इसका मतलब क्या हुआ, मैं ऐसा सेंटेंस लिखूंगा जिसके बीच में ये आ जाए, मैं ऐसा पैराग्राफ लिखूंगा जिसके बीच में मैं इसे कवर करूं। फिर क्या लिखा हुआ है, एंट्री एग्जाम्स, मैं ऐसा पैराग्राफ लिखूंगा जिसमें मैं एंट्री एग्जाम का इस्तेमाल, ऐसे तो नहीं कि बस एंट्री एग्जाम लिख दिया और बात खत्म हो गई, इस तरह तो वो वेबसाइट रैंक नहीं करेगी, मुझे पैराग्राफ की शक्ल में बताना है ना, ताकि कोई बंदा पढ़ रहा हो तो उसको पता लग रहा हो, मैसेज की शक्ल में पता लग रहा हो, तस्वीरें भी लगी हो, मैसेज भी लिखा हो, फिर उसे समझ में आएगा क्या चीज़ है ये। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि एल एस आई कीवर्ड्स क्या होते हैं, हाँ समझ में आ गया है ना। यानी कि असल में कीवर्ड्स, पहले हम कहते हैं प्राइमरी कीवर्ड, वर्डप्रेस में हम कहते हैं फोकस कीवर्ड, ठीक है। तो जो हमारा मेन कीवर्ड है वो क्या, प्राइमरी कीवर्ड, लेकिन प्राइमरी कीवर्ड तो 3% से ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं हो सकता, तो फिर हम क्या करते हैं, एल एस आई कीवर्ड्स की तरफ चले जाते हैं, यानी कि वोकैबुलरी कीवर्ड्स कह रहे हैं हम इसको, कि मीनिंगफुल कीवर्ड्स, जो कीवर्ड का मतलब हमारा निकल रहा है उसी तरह के मीनिंग वाले और कौन से अल्फाज हैं। अच्छा उसके बाद क्या आ रहा है, अगला क्या आ रहा है जी, इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड, इससे क्या मतलब है, कहता है अब आपको ऐसे कीवर्ड भी बनाने हैं जिसमें आप लोगों की इंटेंट, लोगों की ख्वाहिश को टारगेट करें। मिसाल के तौर पर एक बंदा लिखता है एमडी कैट प्रिपरेशन, अब हमें उसकी इंटेंट का पता लग जाना चाहिए कि वो उसकी इंटेंट क्या है, एक्चुअली वो चाह क्या रहा है। देखे ना, ये उसने लिखा एमडी कैट प्रिपरेशन, इसका मतलब है कि उसने यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए वो कैसे कैसे वर्ड्स को लिख सकता है, वो सारे वर्ड्स को हमने कीवर्ड्स की शक्ल में बना लेना है। तो वो कह रहे हैं ना एंट्री एग्जाम प्रिपरेशन, अब हमें इंटेंट पता लग गई ना उसकी, कि भाई उसकी इंटेंट क्या है। एक बंदा कहता है कि बस कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर, हमें पता लग गया उसकी इंटेंट क्या है, अंदाज़ा हो गया कि यहाँ तो वो फाउंडेशन करना चाहता होगा, यहाँ वेब डेवलपमेंट करना चाहता होगा, या डिजिटल मार्केटिंग करना, हमें पता लग गया। तो कहते हैं आपको अपनी वेबसाइट के अंदर इंटेंट कीवर्ड्स भी लिखने हैं। वो कैसे निकलेंगे इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड, किसी मेन कीवर्ड से आपको पता लग जाएगा कि भाई ये वाला कीवर्ड है तो इसके यूज़र की इंटेंट क्या हो सकती है, यानी कि उसकी क्या ख्वाहिश है, वो क्या चाहता है, वो किस तरह का कीवर्ड ऑप्टिमाइज करना चाह रहा है इससे, ठीक है। अब हमने कहा कि भाई When a user perform a query, their intent will fall into three categories. अब वो कहता क्या है भाई, अब उसकी intent दो तीन तरह की होती है। एक बंदा Google पर आया, ठीक है, जैसे इस वक्त आप मेरे से डिजिटल मार्केटिंग का लेक्चर ले रहे हैं तो आप कहते हैं Google से जाकर भी थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आपकी जो intent है, आप कुछ खरीदने तो नहीं जा रहे, आप एक घंटा भी Google करते रहेंगे चीज़ों को, आपकी intent purchase है ही नहीं है, आपकी intent क्या है, information, आप पूछना चाह रहे हैं सिर्फ। अगर आप पूछना चाह रहे हैं इसका मतलब है कि आपकी इंटेंट सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, बस इससे ज़्यादा नहीं है। उसने कहा भाई एक कैटेगरी जो होती है वो क्या होती है, इन्फॉर्मेशन, यानी कि एक इंटेंट क्या है लोगों की, वो जैसे कोई बंदा लिख देता है व्हाट इज़ माउस, मतलब वो माउस के मतलब जानना चाहता है, हाउ वाईफाई माउस परफॉर्म्स, उसको भी, उसने भी माउस नहीं खरीदना, उसको भी ये देखना है कि भाई वाईफाई का माउस कैसे चलता है, लेकिन मेरा माउस ख़राब हो गया तो मैं लिखूँगा बेस्ट कंप्यूटर एसेसरी शॉप नियर मी,
या बेस ऑनलाइन या वाईफाई माउस प्राइसेस इन लाहौर, इसका मतलब क्या हुआ? अब मेरी इंटेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, अब मैं ये जानना नहीं चाह रहा हूँ कि माउस क्या होता है या वो कैसे काम करता है, बल्कि मेरी इंटेंट तो ये है कि मुझे फौरी तौर पर एक माउस मंगवाना है। तो इंटेंट कमर्शियल हो गई हमारी, पहले इंटेंट कौन सी थी? इंफॉर्मेशनल, अब इंटेंट क्या होगी? कमर्शियल होगी। ठीक है, सो हम ये कह, इसका मतलब क्या हुआ? कहता है भाई आपको देखना है कि आप किस वेबसाइट पे काम कर रहे हो, उस वेबसाइट के ऊपर इंटेंट कीवर्ड्स क्या बनते हैं, क्या उस वेबसाइट पे लोगों को लाने के लिए जो इंटेंट चाहिए, ख्वाहिश लोगों की है, वो इंफॉर्मेशन की हद तक है कि परचेजिंग की हद तक है। जैसे वेब पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट पे कोई आएगा तो डायरेक्ट वहाँ से परचेज तो नहीं कर सकता कुछ, इवन वो एडमिशन भी नहीं ऑनलाइन ले सकता ऑनलाइन, लेकिन कोई बंदा दराज की वेबसाइट पर जाएगा तो वहाँ पर तो वो परचेज कर सकता है डायरेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी वेबसाइट पर आने के लिए लोगों की जो इंटेंट है वो परचेज नहीं है, इंफॉर्मेशन है। अगर दराज की वेबसाइट पे कोई बंदा इंफॉर्मेशन लेने के लिए नहीं जाएगा, वो इसलिए नहीं जा रहा दराज में कि उसे पता लग जाए कि माउस क्या होता है, किसने ईजाद किया था, लेफ्ट बटन क्या करता है, राइट बटन क्या करता है, वाईफाई कैसा माउस होता है, सिंपल माउस कैसा होता है, वाइड माउस कैसा होता है, पोर्ट क्या होती है, ये इन्फॉर्मेशन उसमें तो नहीं है। लेकिन कोई आईटी की वेबसाइट होगी जिसने सिर्फ माउस के ऊपर का कंप्यूटर के पार्ट्स पे काम किया होगा, इन्फॉर्मेशन देने की वो उसकी अलग इंटेंट होगी। तो ये कह रहे हैं इस तरह के कीवर्ड्स आपको बनाने हैं। अच्छा, उसके बाद और आगे चले जरा, कहता है ये देखें एग्जाम्पल आ गई है, कहता है आपकी वेबसाइट में ऐसे हेडिंग्स और कॉन्टेंट लिखा होगा, पता लग रहा है ना कैसे हेडिंग्स लिखी और कैसे कॉन्टेंट लिखे हैं। देखिए अब व्हाट इज लेमन ग्रास, अब इसमें इंटेंट क्या हमें पता लग रही है, क्या इंटेंट हो सकती है इसकी? नहीं, मतलब इसे व्हाट इज लेमन ग्रास, हम कहते हैं इंटेंट क्या है इसमें, इंटेंट है इंफॉर्मेशन। ये व्हाट इज लेमन ग्रास करके कोई लेमन ग्रास परचेज नहीं कर रहा, वो अगर उसने लेमन ग्रास परचेज करना होता तो इसमें प्राइसेज लिखा होता, वर्ड बाय लिखा होता, सेल लिखा होता। सो ये वाले वर्ड ही नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, व्हाट लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये इंटेंट टाइप का कीवर्ड है, इंफॉर्मेशन टाइप का कीवर्ड है। और इस कीवर्ड के अंदर किस इंटेंट को टारगेट किया जा रहा है? इंफॉर्मेशन को। ये हम जो बातें कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने जब भी कोई वेबसाइट पर काम शुरू करना है सबसे पहले तो हमने इसके कीवर्ड्स बनाने हैं और उन कीवर्ड से ही तो हमने कॉन्टेंट लिखना है। आगे क्या लिखा हुआ है? हाउ इट ग्रोज। अब ये वाला जो पैराग्राफ है विद हेडिंग, आप एक चीज तो नोट करें ना कि हमने जब भी कंटेंट लिखना होगा एक हेडिंग होगी एक सब हेड पैराग्राफ होगा, एक हेडिंग होगी एक सब पैराग्राफ। आपको ये पैराग्राफ है ये इसका हेडर है। अब ये जो हाउ इट ग्रोज यहां पर क्या इंटेंट पता लग रही है? इंफॉर्मेशनल सेम, मैं फिर इंफॉर्मेशनल इंटेंट किया ना, मतलब कोई बंदा खरीदने तो नहीं जा रहा। हाँ, जब कोई बंदा दराज पे जाता है तो वहाँ जाकर देखता है माउस डिस्क्रिप्शन, इसका मतलब है वो देखना चाह रहा है कि माउस क्या है, कैसा है ये माउस, या माउस स्पेसिफिकेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं है इंटेंट, वहाँ पर इंटेंट कमर्शियल हो गई है कि भाई उसने देखना, वो देख रहा है कि भाई इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इस कैसे काम कर रहा है, इसकी वारंटी कितनी मिल रही है, इंटेंट चेंज हो गई ना वहाँ पर, यहाँ पर सिर्फ इंफॉर्मेशन है। और नीचे आओ, व्हाट टू लुक फॉर, इधर क्या इंटेंट लग रही है? इंफॉर्मेशन। कहते हैं अगली इंटेंट क्या है? यूजर्स विद कमर्शियल इंटेंट आर मोर सीरियस अबाउट मेकिंग परचेस। अब कहते हैं जिनकी इंटेंट कमर्शियल होगी वो लोग होंगे जो बाय करने के लिए आए, इसका मतलब क्या हुआ? दरार पे जो बंदा जाएगा उसकी इंटेंट परचेज की होगी। नीचे आओ जरा, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब ये यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क तो है लेकिन लिखा क्या हुआ है? आवर सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, कि भाई हमने जो प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं इसके अंदर ऐसी क्या खास चीज़ है जो दूसरे नहीं दे रहे, ठीक है ना। तो अब ये किस कैटेगरी में आ रही है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, और ये यहाँ पर इंटेंट चेंज हो गई है, यहाँ पर कमर्शियल इंटेंट है, खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कोई बंदा लिखता है हु इन्वेंट डेल लैपटॉप, आपको लगता है कि उसकी इंटेंट परचेज है? नहीं है भाई, खरीदने के लिए तो नहीं लिखेगा ना कि लैपटॉप किसने ईजाद किया था, इंफॉर्मेशन के लिए ले रहा है। लेकिन एक बंदा लिखता है कि यूज डेल लैपटॉप प्राइसेस इन लाहौर, अब उसकी इंटेंट क्या है? अब वो ही नहीं जानना चाह रहा कि भाई लैपटॉप किसने ईजाद किया था,
लिखा हुआ आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये वो कह रहा है कि मुझे तो एक यूज लैपटॉप खरीदना है। तो अब इन दोनों में इंटेंट चेंज हुई, एक में इंटेंट मालूमात वाली है, इंफॉर्मेशन वाली है, और एक में इंटेंट खरीदने वाली है। ये देखें अब ये क्या वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, फीचर्स। अब कोई भी मिलता किसी चीज के फीचर्स अगर पूछता है, इसका मतलब क्या है, वो क्या चाहता है, वो इंफॉर्मेशन नहीं है, फीचर्स पूछ रहे हैं ना भाई। फीचर मैं तभी पूछूंगा जब मुझे कुछ खरीदना है, जब मैं किसी चीज़ के फीचर्स पूछ रहा हूँ। मुझे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ अभी ये LCD है, ये कैसे काम करती है भाई, इसके साथ केबल लग जाती है नहीं लग जाती है, HDMI लग जाती है नहीं लग जाती है, एंड्रॉयड LCD है नॉर्मल LCD है। तो ये मैं इंफॉर्मेशन के लिए नहीं पूछ रहा, ये मैं खरीदने के लिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं तो उसके फीचर्स जानना चाह रहा हूँ ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ व्हाट इज़ LCD, मैं ये नहीं जानना चाह रहा, ठीक है। जैसे कोई पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट पर आता है और उसमें हेडिंग लिखी हुई है कोर्सेज, अब कोर्सेज के अंदर गया वो और उधर लिखा हुआ आ रहा है कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ऑनलाइन आउटलाइन, अभी वो इंफॉर्मेशन ही ले रहा है, ठीक है। वहां पर आखिर में एक बटन बना हुआ है सेंड योर क्यूरी, और वो व्हाट्सएप का बटन है। अब उसकी इंटेंट जो है वो कमर्शियल होने जा रही है, अगर वो उस बटन पर क्लिक करता है, अगर वो सब कुछ पढ़ता जा रहा है, तो उसकी इंटेंट अभी भी कमर्शियल ही है, इंटेंट इंफॉर्मेशनल ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंफॉर्मेशनल इंटेंट का मतलब है कि आप कुछ मालूमात लेना चाह रहे हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं, और कमर्शियल इंटेंट का मतलब है आप कुछ परचेज करना चाह रहे हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, ट्रांजैक्शनल। कहता है ये जो कमर्शियल इंटेंट है इसका जो अगला आखिरी फेज होता है वो क्या होता है, ट्रांजैक्शनल। आप जब भी दराज पर जाएंगे कोई चीज़ पहले माउस को ढूंढोगे, सामने माउस आ जाएगा, उसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे, आखिर में लिखा होगा ऐड टू कार्ट या बाय नाउ, वो वाला जो मोड है वो क्या है, ट्रांजैक्शन। ये थी हमारे पास कीवर्ड्स की सारी स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई है, कि जब भी हमने किसी वेबसाइट पे काम करना है तो हमने काम शुरू कहां से करना है, कीवर्ड से करना है। उसके और अभी आजकल मैं इस वेबसाइट पे काम शुरू कर रहा हूँ, अब जैसे मैं इसकी वेबसाइट पे जाता हूँ, अब जब ये मेरे पास वेबसाइट आई थी ना तो ये ऐसे नजर आ रही थी, और उसके बाद ये नजर आ रहा था, बस तस्वीरें। शायद मैंने आपको पहले भी दिखाई है, ये वाला पार्ट नहीं था ना, अगर मैंने आपको दिखाया होगा। अब मैंने क्या किया, मैंने ये वाला पार्ट इसमें ऐड किया। क्यों ऐड किया, कि देखें क्या किया मैंने इसके ऊपर, इनका मेन कीवर्ड टारगेट किया, उसके बाद ये कंटेंट लिखा, इफ यू आर लुकिंग बेस्ट कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर वी आर जस्ट कॉल अवे, ताकि कोई बंदा पढ़े तो उसको फील हो गए मुझसे रिलेट कर रही है कोई चीज़, मुझसे इन्फॉर्मेशन है। उसमें फिर मैंने किया क्या किया, अब आप याद करें जो मैंने आपको SEO सिखाई है, हेडिंग बोल्ड, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, पैराग्राफ्स, छोटे छोटे पैराग्राफ्स, 1, 2, 3 बहुत छोटे से 2-3 पैराग्राफ ऐड कर दिए। यहाँ पर भी पैराग्राफ्स आ रहे हैं, बात समझ में आ गई। सो ये काम हमारा, ये हमने जो अभी वोकैबुलरी कीवर्ड्स बनाने सीखे हैं बेसिकली, ये जो कीवर्ड मैंने यूज़ किया हुआ है ये मुझे डिज़ाइन करना था ना, इसलिए मुझे कीवर्ड रिसर्च की ज़रूरत है। अब आप देख रहे हो कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर भी लिखा है हमने, इसका मतलब क्या हुआ, हमने लोकेशन को भी टारगेट किया, क्योंकि ये बंदा स्पेशली लाहौर में है। बेशक लाहौर का बंदा इन लाहौर नहीं लिखेगा, लेकिन वो लाहौर में तो बैठा होगा ना, तो जब वो क्यूरी करेगा और उसकी लोकेशन भी लाहौर की होगी तो उसको हमारी वेबसाइट नजर आएगी। आवाज आते आगे, गूगल ऐड हमने पढ़ा था याद है ना, उस वक्त मैंने आपको ये सब कुछ सिखाया था कि भाई मैच, इसका कीवर्ड मैच टाइप एप्लीकेबल होती हैं गूगल ऐड के ऊपर, ये SEO के लिए नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इसको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। ये हमने देख लिया था कि भाई आपको क्या पहले पता होना चाहिए। अब क्या आ रहा है, अब हमें ये साइंस का तो पता लग गया, हमें कीवर्ड की साइंस का पता लग गया कि कीवर्ड की साइंस क्या है। अब हमें ये देखना है कि भाई ये अब कीवर्ड्स को लेना कैसे, साइंस का तो सब पता लग गया, अब ये पता लग गया कि कीवर्ड छोटा होता है, कीवर्ड बड़ा होता है, कीवर्ड ट्रेंडिंग होता है, कीवर्ड लाइफ टाइम एवरग्रीन जिसको हम बोल रहे थे। फिर हमने ये कहा LSI कीवर्ड्स भी होते हैं,
फिर हमने कहा कि हमें कीवर्ड्स बनाते हुए लोगों की इंटेंट भी देखनी है, हमें लोकेशन को भी टारगेट करना है, हमें ये देखनी है कि वो इंटेंट उनकी कीवर्ड की कैसी है, इंफॉर्मेशनल है कि कमर्शियल है, हमें ये सब पता लग गया। अब हम ये कह रहे हैं कि अब हमने जब कीवर्ड्स बनाने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट जब मेरे पास आई तो मैंने सबसे पहले इस वेबसाइट को स्टडी किया होगा ना। वेबसाइट नहीं बनाई मैंने, अगर वेबसाइट मैंने नहीं बनाई है, वेबसाइट बनी हुई आई है मेरे पास। एक और काम किया हमने, क्या किया, यहाँ पर होम का बटन होता है ना, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर होम के बटन को, कारपेट वॉशिंग, ये भी इसका शॉर्ट कीवर्ड है, तो 6-8 महीनों में ये भी इसको फ़ायदा पहुँचाएगा, इसकी वजह से ये मेन पर आएगा। भाई होम का बटन लिखने की क्या ज़रूरत है, होम के बटन से क्या हमें कोई कमर्शियल फ़ायदा पहुँच सकता है, बिल्कुल नहीं पहुँच सकता। लेकिन अगर होम की बटन की जगह पर हमने कारपेट वॉशिंग लिखा होगा तो किसी भी यूज़र को पता लगेगा कि ये मुझसे रिलेट कर रही है, ये तो मेरी चीज़ है जो मैं खरीदने आया हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो हमने क्या किया, होम के बटन को फिलहाल पहले मरले में तो हमने होम के बटन को चेंज कर दिया। अच्छा वो रिव्यूज पे थे, वापिस आ गए, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ब्रिंगिंग कीवर्ड आइडियाज। कहता है भैया अब आपने कीवर्ड्स बनानी है ना, मतलब मैं कहता हूँ कि मुझे कोई चीज़ बेचनी है इंटरनेट के ऊपर, आपके जहन में क्या बात आएगी कि भाई जो चीज़ हम इंटरनेट पर बेचना चाहते हैं, जो लोग उसे खरीदना चाहते हैं, वो क्या लिखेंगे, यही जहन में आएगा कि नहीं आएगा। मतलब मैं कोई चीज़ इंटरनेट पर बेचना चाहता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें सबसे पहले ये देखना है जो लोग खरीदना चाहते हैं वो क्या लिखते हैं। जैसे हम कहें कि भाई पीक स्टेशन के इंफॉर्मेशन ऑफिस में लोग डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज को बेचना चाह रहे हैं, ऐसी है ना, इंफॉर्मेशन लेने आते हो तो सेल ही कर रहे होते। अब उन्हें पहले ये पता होना चाहिए कि जो लोग हमारे पास इंफॉर्मेशन लेने आएंगे वो क्या खरीदने आएंगे, वो क्या क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्या क्यूरी कर सकते हैं, उनकी जो क्यूरीज है उनकी तो हमने कीवर्ड्स बनाया हुआ है, हमने अपने स्टूडेंट्स की क्यूरीज को कीवर्ड बनाया हुआ। इसी तरह वो ये कह रहा है कि भाई अब आपको सबसे पहले क्या काम करना है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है, देखिए पहले मैंने क्या किया कंटेंट के लिए, पहले मैंने सारा कंटेंट नहीं लिखना, जैसे वेबसाइट दिखाई ना आपको मैंने इतना कुछ लिखा हुआ है, पहले मैंने क्या किया उसकी वोकैबुलरी बना लिया वोकैबुलरी, वर्ड्स निकाल लिए। अब जिससे मैंने कंटेंट लिखना होगा या लिखवाना होगा उसको मैं बोले वर्ड्स दूंगा, मैं उसे कहूंगा कि भाई मुझे एक वेबसाइट का कंटेंट लिख कर दो जो छोटे छोटे सेंटेंसेस पर हो, जिसके अंदर छोटे छोटे पैराग्राफ्स हों और कंटेंट की लेंथ 1000 वर्ड्स कर दो। वर्ड्स मैंने उसको दे दिए, ये भी बता दिया वेबसाइट है, वो क्या करेगा सबसे पहले तो वो देखेगा इस तरह की वेबसाइट के लोग कैसा कंटेंट लिखते हैं, भाई इसके लिए उसे नीचे कुछ खरीदना तो नहीं पड़ेगा ना, सीधा सीधा ऑनलाइन जाएगा, 3 कारपेट वॉशिंग की वेबसाइट्स को देखेगा, उसे अंदाज़ा हो जाएगा। वर्ड्स मैंने दे दिए, अब वो क्या करेगा उन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए मुझे कंटेंट लिख कर दे देगा। अब मुझे क्या फ़ायदा हुआ, उन कंटेंट्स में मेरे कीवर्ड्स आ गए। अब आगे से मैं क्या करूँगा, मेरा अगला काम क्या है, मेरा अगला काम यह है कि मैं उन कीवर्ड्स को रैंक करने के लिए SEO के सारे फैक्टर्स उन पर अप्लाई करूँगा। यही सीखा था ना हमने HTML में जाकर, हमने कहा भाई कीवर्ड हेडिंग में होना चाहिए, तो हमने क्या किया यहाँ पर आकर देखें, हेडिंग में कीवर्ड ले आए। फिर हमने ये पढ़ा था कि भाई जो आप पैराग्राफ लिखोगे, अब अगर फॉर एग्जांपल पैराग्राफ के अंदर कीवर्ड ही नहीं है शामिल, अब आपने नोट किया यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये इतना बड़ा अखबार है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ़ यू आर लुकिंग बेस्ट कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर। अब देखिए क्या किया हमने, पहले सेंटेंस में, पहले पैराग्राफ के पहले सेंटेंस में कीवर्ड को यूज किया, यही वाला कीवर्ड हमने यहाँ भी यूज किया, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, यही वाला कीवर्ड हमने यहाँ भी यूज किया, यही वाला कीवर्ड हमने यहाँ भी यूज किया, ठीक है। तो ये काम हम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें कंटेंट चाहिए था ना। अब फॉर एग्जांपल मैं सब कुछ करना चाह रहा था तो इस वेबसाइट पे ये था ही नहीं, पार्ट ही नहीं था, ये पार्ट मैंने ऐड किया अभी। चले आगे चले, अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें साइंस समझी है, कॉन्सेप्ट समझ लिया है, लेकिन अब हमें रियल काम जो है ना वो अब हम करने लगे हैं, प्रैक्टिकल वाला पार्ट अब हम करने लगे हैं कीवर्ड से रिलेट करता हुआ।
हमें ये समझ लिया कि कीवर्ड कैसे होने चाहिए, ऐसे ही है ना। इन शॉर्ट कौन बताएगा कि कीवर्ड कैसा होना चाहिए? मैं बताऊँ पहले, फिर आप बताना। शॉर्ट मैं कहता हूँ कीवर्ड या छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट कीवर्ड कितने वर्ड्स का होता है? तीन वर्ड्स का होता है। बड़ा कीवर्ड कितने वर्ड का होता है? तीन वर्ड से ज़्यादा होता है, ठीक है। अब शॉर्ट कीवर्ड क्या होता है, उस पर कंपटीशन ज़्यादा होता है, उस पर सर्चिज भी ज़्यादा होती हैं। मगर जब कंपटीशन ज़्यादा है तो उसमें हमारी नई वेबसाइट का जल्दी आना तो ज़रा लंबा काम हो गया, लेकिन जो लॉन्ग कीवर्ड होता है वो जल्दी रैंक हो जाता है। उस पर सर्चिज तो कम होती हैं मगर वो रेलिवेंट बहुत होता है, ये बताया था मैंने। उसके बाद फिर मैंने आगे क्या बताया, दूसरे नंबर पर मैंने ये बताया कि भाई जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स दो तरह के होते हैं। एक कीवर्ड्स कौन से होते हैं? लाइफ टाइम। और एक कौन से होते हैं? जो ट्रेंडिंग होते हैं। ट्रेंडिंग का क्या मतलब है कि खास टाइम पर चलते हैं। मिसाल के तौर पर भाई पंखे बेचने हैं हमने, अब कोई भी बंदा चिल सर्दी हो तो पंखा तो नहीं खरीदेगा ना। पंखे गर्मियों में बिकेंगे, एसी गर्मियों में बिकेगा, हीटर सर्दियों में बिकेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेंडिंग वर्ड्स है ना। अब इसका मतलब ये सारा साल तो नहीं चलेंगे, इसने उन्हीं दिनों में चलना है। तो हमें अपनी वेबसाइट पे ऐसे वर्ड्स को भी लाना है, लेकिन ये सोच समझ के लाना है कि ये ट्रेंडिंग है, ये पूरा साल चलने वाले नहीं है। जैसे कहें ना पीक सीजन के कंप्यूटर कोर्सेज, पूरा साल तो नहीं चलेंगे, कि भाई उन दिनों में चलेंगे जब स्टूडेंट्स फ्री हैं। लेकिन जो पीक सीजन के एकेडमिक कोर्सेज हैं वो तो पूरा साल चलेंगे, वो तो इन्फॉर्मेशन चलती रहती है उसकी, है ना। अच्छा, ये चीज़ें मैंने सारी बताई। उसके बाद मैंने कहा कि कीवर्ड्स कितना इस्तेमाल कर सकते हैं? 3%, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इससे ज़्यादा करना हो तो क्या करेंगे? LSI कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। LSI कीवर्ड्स क्या होते हैं? जो थीमेटिक कीवर्ड्स होते हैं, जो कि मीनिंग में हमारे कीवर्ड्स के इक्वल होते हैं। क्योंकि जब हम एक कीवर्ड का LSI बना लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर हमें फर्दर 3% का ऑप्शन मिल जाता है। जो हमारा मेन कीवर्ड होता है उसको हम प्राइमरी कीवर्ड या फोकस कीवर्ड कहते हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा कि कीवर्ड की इंटेंट क्या होती है, ये भी हमें देखना है। हमें यूजर्स की इंटेंट देख के कीवर्ड की जानना है। तो यूज़र इंटेंट के हिसाब से दो तरह के कीवर्ड्स हैं, तीन तरह के, इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल, ट्रांजैक्शनल। ऐसे कीवर्ड जो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर बेस कर रहे होते हैं वो इंफॉर्मेशनल में आते हैं। ऐसे कीवर्ड जो सेलिंग से रिलेट कर रहे होते हैं, यानी जितनी भी ई कॉमर्स साइट्स हैं जो ऑनलाइन चीज़ें बेच रहे हैं, उनके कीवर्ड जो होंगे वो कौन से होंगे? कमर्शियल कीवर्ड्स होंगे, ठीक है। तो ये सारी मैंने आपको मुख्तसर सी स्टोरी सुना दी है कीवर्ड्स की सारी। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं, डिफरेंट सोर्सेज ब्रिंगिंग कीवर्ड आइडियाज। कहता है भाई कीवर्ड आइडियाज लेने के लिए अब हमें क्या करना है। भाई कीवर्ड आइडियाज कहाँ से मिलेंगे? मतलब एक तो मुझे मेरा क्लाइंट बताएगा कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट है, तो इसको जो सर्च करने वाले लोग हैं वो ये टाइप करते हैं गूगल पर आकर, तो उसके अगेंस्ट मेरी वेबसाइट। एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन जरूर क्लाइंट कोई एक्सपर्ट आदमी तो नहीं है ना, डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड का तो नहीं है। हमें ये भी देखना है कि उसने तो हमें बता दिया क्लाइंट ने, लेकिन हमें भी तो देखना है कि भाई एक्चुअली है क्या, हम क्या क्या तरीका इस्तेमाल करेंगे, अब ये हम देखने लगे। नंबर वन, गूगल ऑटो कम्प्लीट जी। सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे? गूगल ऑटो कम्प्लीट। गूगल ऑटो कम्प्लीट का क्या मतलब होता है, देखिएगा मैं इधर से गूगल पर आता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कारपेट वॉशिंग की हम बनाने जा रहे हैं, हाँ, यहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ आकर मैं लिखता हूँ कारपेट, बल्कि गूगल पर चले जाएँ तो ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। वो वहाँ पर वेबसाइट को टाइप कर देता है ना, इसलिए मैं इधर आ जाता हूँ पहले जी। यहाँ आके लिखा मैंने कारपेट वॉशिंग, मैंने लिखा ना कारपेट वॉशिंग, तो नीचे कितनी सारी ऑप्शन आई है। ये है ऑटो कंप्लीट, ये है ऑटो कंप्लीट का फीचर। अब क्या कह रहा है, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, कारपेट वॉशिंग नियर मी। अच्छा, सबसे पहली चीज तो याद रखिएगा कि ये नियर मी हमारा कीवर्ड नहीं हो सकता, नियर मी हमारा मेन कीवर्ड नहीं हो सकता। ऐसा हम ये नहीं कहेंगे कि टाइटल में लिख रहे हैं कारपेट वॉशिंग नियर मी, या मैंने ऊपर मेन हेडिंग में लिख दिया, कितना बुरा लग रहा है बड़ी वाला। मैंने तो लिखा है कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर, तो जब मैं इन लाहौर लिखूंगा तो लाहौर का जो बंदा होगा उसके लिए तो नियर मी होगा मैं। तो अगर वो लिखेगा ना कारपेट वॉशिंग नियर मी,
तो मैं क्योंकि लाहौर में हूँ, वो भी लाहौर में है, तो लाजमी बात है मैं ही ट्रिगर करूँगा ना, ऑटोमेटिक मैं ट्रिगर करूँगा। सो नियर मी हमारा वर्ड है, हम इसको यूज़ बेशक कर लें। इफ़ यू आर लुकिंग एक्सपर्ट कारपेट वॉशर नियर योर लोकेशन, नियर योर होम, नियर योर ऑफिस, नियर यू, हम लिख देंगे उसके लिए फिर हमारा होगा। इसका मतलब क्या है, वो तो ये लिख रहा है ना नियर मी, हम इस वर्ड को चाहें तो अपने किसी सेंटेंस में ऐड कर लें, लेकिन इसको प्राइमरी कीवर्ड नहीं बनाएंगे। उसके बाद कारपेट वॉशिंग, कारपेट वॉशिंग मशीन। अब आप देखो यहाँ पर आ गया कारपेट वॉशिंग मशीन, ये तो बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहा हमारी प्रोडक्ट से, हम छोड़ देंगे। असल में करना क्या है, हमने यहाँ से डाटा इकट्ठा करना है। पहले मैंने सिर्फ कारपेट वॉशिंग लिखा तो उसने मुझे ये सारा डाटा दिया। अब मुझे ये देखना है, जैसे ये लिखा हुआ है कारपेट वॉशिंग ब्रश, तो हम तो सर्विसेज देते हैं ना भाई, हम ब्रश तो नहीं सेल करते। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी मुझसे रिलेट नहीं कर रहा। अब मैं क्या करूँगा, जितने मुझसे रिलेट कर रहे हैं ना, चाहे उसे कागज़ पे पहले एक दफ़ा लिख लूँगा और उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट करना है। ये सब क्या है, ये सब कीवर्ड आइडियाज़ मुझे मिल रहे हैं, हम इनको बोलते हैं कीवर्ड सीड्स। जैसे हमने कोई ट्री उगाना होता है तो क्या करते हैं, सीड डालते हैं ना ज़मीन पर पहले, तो हमें बहुत सारे सीड्स की ज़रूरत है जिनसे हमने कीवर्ड बनाना है। अब समझ लो कीवर्ड को पैदा करना है, कीवर्ड का एक पौधा लगा रहे हैं, तो बहुत सारे सीड्स हम लगाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इनमें से अच्छे वाला कौन सा है, गूगल से पूछेंगे। वो हम देखेंगे कि वो गूगल से कैसे पूछ रहे हैं, मतलब पूछने का तरीका भी देखते हैं। अभी तो पहले मरले में हम क्या कर रहे हैं, सीड्स इकट्ठे कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मैं ये टाइप कर लूँगा, मैं ये भी लिख लूँगा, मैं ये भी लिख लूँगा, ये नहीं लिखूँगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज नियर मी, कारपेट वॉशिंग मशीन प्राइसेज इन पाकिस्तान, बिल्कुल रिलेट नहीं करता हमसे, नहीं लिखेंगे। कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन क्वेटा, नो। कारपेट वॉशिंग मशीन प्राइस, बस बात खत्म होगी, इधर से इतना ही हो गया। अच्छा ये एक थे हमारे पास, फिर मैं आया यहाँ आकर मैंने लिखा एक्सपर्ट कारपेट। अब देखते हैं क्या आता है, जी बड़े जरा क्या लिखा हुआ आ गया। अब और सीड्स मिल रहे हैं हमें, अब कह रहा है एक्सपर्ट कारपेट क्लीनिंग, एक्सपर्ट कारपेट केयर इज फाइन, ये भी हमारी कैटेगरी में आएगा, हम भी तो कारपेट केयर में डील कर रहे हैं। एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर्स, एक्सपर्ट कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज। अच्छा आगे देखते हैं क्या है, एक्सपर्ट कारपेट फिटिंग, ये बिल्कुल हमसे रिलेट नहीं करता, अभी हम कारपेट सेल तो नहीं करते जो फिटिंग करवाएगा कोई हमसे, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको भी नहीं लेंगे। एक्सपर्ट कारपेट रिपेयर, रिपेयरिंग भी हमसे रिलेट नहीं करते, ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं है। अच्छा अब मैं लिखता हूँ, लग रहा है कैसे इकट्ठा कर रहे हैं डाटा, ये सारा डाटा हम कॉपी पे लिखते जा रहे हैं, बेसिकली कॉपी पे बेशक ना लिखें, यहीं से वर्ड पे लिखते जाओ कॉमे के साथ, इन्हीं से हमने कीवर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। कैसे बनाने हैं इसके अगले फेज में हम देखते हैं कि बनाने कैसे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, सीड्स इकट्ठे कर रहे हैं, कौन से सीड्स जो हमारे कीवर्ड के साथ मैच करें और जो हमारी सर्विसेज के साथ मैच करें। इधर आया फिर मैंने लिख दिया कारपेट क्लीनर, अब देखो जरा क्या आ गया कारपेट क्लीनर। यहाँ से भी मुझे देखना है कि कौन से मेरे कीवर्ड हैं, वो उठा लूंगा मैं। अच्छा फिर मैं आ जाता हूँ इसका, अब मैं लिख रहा हूँ कारपेट वॉशिंग, सिर्फ इतना लिखा मैंने। अब मुझे फिर सीड्स मिलने जा रहे हैं, आपने देखना है कि क्या आपसे रिलेट कोई कर रहा है कीवर्ड, तो फाइन। फिर मैंने क्या लिखा, मैट्रेस लिखा, आ गई ऑप्शंस, मैट्रेस हमसे रिलेट कर रहा है, कर्टेन हमसे रिलेट कर रहा है, कर्टेन वॉशिंग, रग हमसे रिलेट कर रही है, और इन सब चीज़ों को मिलाकर हम कॉल करते हैं अपहोस्ट्री। आ गया, ये क्या लिखा हुआ है जी, अपहोस्ट्री मीनिंग इन इंग्लिश, पहले देखो देखिए आ गया ना, कहता है यही चीजें आपकी आती हैं पोस्टी के अंदर, जो आपका फिक्स फर्नीचर होता है वो सारे का सारा पैडी टेक्सटाइल कवरिंग डैट फिक्स्ड टू फर्नीचर सच एज आर्म चेयर्स सोफास लेदर अपोस्ट्री,
यानी कि जो घर के अंदर जो चीज़ें पड़ी होती हैं इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखो ना, मैं सोफे का बिजनेस तो नहीं करता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास कोई सोफे आएगा तो मुझे सोफे पर थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने उसकी मार्केटिंग करनी है। तो जब मुझे उसकी मार्केटिंग करनी है तो मुझे उसकी प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसकी प्रोडक्ट क्या है। और भी कोई होगा तो मुझे उसको भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एक एक केस को मुझे थोड़ा सा इसके अंदर कितना टाइम लग जाता है, कोई बहुत टाइम तो नहीं लगेगा ना। मैं मुख्तलिफ वेबसाइट देखूंगा, उसमें जो जो चीज़ें इस्तेमाल हुई होंगी मैं उनको थोड़ा स्टडी कर लूँगा बस। आ जाए जी आप वापस। ये भी हो गया जी, पोस्टिंग का भी समझ में आ गया। अच्छा, इसके अब और लिखते हैं रग। मैंने लिखा रग वॉशिंग। देख क्या लिखा हुआ आ गया, रग वॉशिंग सर्विस। रग वॉशिंग मशीन नहीं है हमसे, ठीक हो गया, समझ में आ गई बात की। तो ये कीवर्ड के आइडियाज हमें मिल गए कि हमने कहाँ से लेने हैं। अब ये सारे के सारे सीड्स इकट्ठे किए, फॉर एग्जांपल ये सीड हो गए कोई 100 या इससे भी ज़्यादा। अभी मैंने सिर्फ ऑटो कंप्लीट से लिए, एक सोर्स यूज किया। अगला सोर्स क्या है वो देखें, गूगल सजेशन। अब मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ से ना मैं एक पिक कर लेता हूँ, रग वॉशिंग सर्विस। लो जी ये किया। अब आपने ना नीचे आ जाना है, बिल्कुल नीचे। या जहां पर ना ये एंड हो रहा होगा वहां पे आएंगे। भाई कहीं तो रुक जाओ, वो बहुत सारा डाटा है ना। नीचे एंड पे ना सजेशंस आती होती हैं, ठीक है। इस केस में अभी तो नहीं आ रही हमें नज़र, लेकिन सजेशंस कहाँ पर होती हैं, पहले कुछ वेबसाइट्स आएंगी और वेबसाइट के बाद जो है ना हमें सजेशंस नज़र आएंगी। मैं कुछ और लिख देता हूँ ताकि हम देख लेंगे वो कौन सा पार्ट होता है। सजेशन आ गई। अब हमने ऊपर लिखा है कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, तो कहता है भाई ये सजेस्टेड है यूज कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। अब ये लिखा है यूज कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, फॉर एग्जांपल ये कंपनी यूज में डील नहीं करती है, न्यू में डील करती है। इसका मतलब है मैं इस कीवर्ड को इग्नोर कर दूंगा। उसके बाद आगे क्या लिखा, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट इन पाकिस्तान, मैं कहूँगा इस ओके। फिर कहता है कमर्शियल किचन इक्विपमेंट प्राइस लिस्ट, ये भी हमसे रिलेट कर रहा है। ऐसी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं अगर आपके कॉन्टेंट में शामिल होती है। कमर्शियल किचन इक्विपमेंट प्राइसेस इन पाकिस्तान, स्मॉल कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, आ गया ना सब कुछ। ये कौन सा था पार्ट, ये था सजेशन। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है, गूगल एड सजेशन, ठीक है। चलिए मैं इधर आया और इधर आकर मैंने लिखा कारपेट। मोबाइल पे देख लेते हैं, कहते ना रिजल्ट ज़्यादा अच्छे जो एड्स के रिजल्ट आते हैं वो मोबाइल पे आते हैं। देख लेता ऐड आ गया ऊपर, कामकाज ऐड आया ना एक वेबसाइट का। अब मैं यहाँ से भी तो मुझे आइडियाज मिल रहे हैं, मैं यहाँ से भी मुझे आइडियाज मिल रहे हैं ना। क्या आइडिया मिल रहा है जी यहाँ से, कारपेट क्लीनर इन लाहौर। इसने भी तो कीवर्ड यूज किया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सर्च होता है, इसने तो खरीदा हुआ कीवर्ड। आपको बताया था ना गूगल ऐड में तो लोग कीवर्ड यूज करते हैं ना, पे करते हैं उसका। अच्छा दूसरा ऐड आ रहा है अल रहीम, इसने कुछ नहीं यूज किया हुआ। तीसरा ऐड आ रहा है जी प्रोफेशनल क्लीनिंग सर्विसेज, ये हमारी कैटेगरी में नहीं आता क्योंकि क्लीनिंग सर्विसेज में वॉशरूम क्लीनिंग भी आ जाएगी, होम क्लीनिंग भी आ जाएगी। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी कैटेगरी में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ,
कि हमें आइडियाज लेने के लिए एक और जगह मिल गई। चलो जी के पता लग गया हमें। अगला सोर्स क्या है हमारा, देखें फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल्स। ये फ्री नहीं है, ऊबर सजेस्ट फ्री टूल नहीं है, ठीक है। जाएं इस पर जाकर देखें जरा कि ये फ्री है। यहाँ है जरा, यहाँ आ जाते हैं, यहाँ है, यहाँ आकर हमने लिख दिया जी ऊबर सजेस्ट। तो भाई अपना नेट यूज कर लें। अभी भी नहीं चला। अपना नेट ले लेता हूँ। चलो चलो आ गया। ये फ्री कीवर्ड रिसर्च आ जाओ जी इस पे। ये क्लिक हो गया, इस पे आए वापस। इस पे रहो, यहां आकर लिखेंगे हम। इसको फिलहाल बंद कर दो और यहां आए और यहां आकर टाइप कर देते हैं। विद्या जी मैंने कारपेट वॉशिंग किया, हमारा कीवर्ड है। और मार्केटिंग हम कहते हैं जी एडवांस लेवल है हमारा। आगे कहते हैं इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, जनरेट मोर लीड्स, व्हाट डू यू वांट टू अचीव विद मोर इंक्रीज। क्या कहते हैं, हाउ मच रेवेन्यू डू यू जनरेट पर ईयर। फॉर एग्जांपल जी हम कह देते हैं ये वाला छोटा क्लाइंट है, हमने ये वाला अमाउंट दे दिया उसको। व्हाट इज योर मार्केटिंग बजट पर मंथ, पूछा ना मुझे, उसके हिसाब से मुझे कीवर्ड बताने लगा वो। हम कहते हैं अंडर। पहले मेरे पास आ जाए, मुझे अपना डाटा प्रोवाइड करें, ठीक है, फिर मैं आपसे बात कर लूँगा, ठीक है। सो मैंने कहा भाई ले लो यार तुम, इससे मुझे कोई नुकसान नहीं है ना। कौन सा फील्ड भाई, ये रह गया, ये रह गया। चलो ये हम ई कॉमर्स ही कर लेते हैं, इससे जान छुड़ाते हैं सर। डाटा प्रोवाइड किया उसको हमने अपना सारा, ऐसे मुफ्त में नहीं दिया उसने, हमारा डाटा अपने पास लेकर गया है ताकि मुझे बार बार मैसेज करता रहेगा कि भैया मुझसे खरीद लो खरीद लो खरीद लो। हाँ पहले मुझसे कोर्स कर लो। हाँ फाइंडिंग परफेक्ट कीवर्ड्स, देखे ना उसने सीधा कोर्स पे ही आ गया। स्टार्ट माय फ्री ट्रायल, मेन टूल्स को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर, लेकिन मैंने उसे कहा क्या था और वो कर क्या रहे आगे से, हाँ इसलिए मैं इनको यूज नहीं करता हूँ। ये क्या कहता है भाई, इसमें पैसे देने हैं आपने, ये भी फ्री नहीं है। हाँ तो भी यही मैं दिखाना चाह रहा था कि ये फ्री नहीं है, ये सारे के सारे पेड टूल्स हैं। इसमें भी वो कहता है कि स्टार्ट फ्री ट्रायल, लेकिन ट्रायल फ्री कैसे होगा, क्रेडिट कार्ड बताकर पेमेंट मैथड आपको उसको देना पड़ना, फिर वो फ्री ट्रायल शुरू करेगा। ऐसे नहीं होगा कि फ्री ट्रायल हुआ तो जैसे फ्री अकाउंट बन जाता बन जाएगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इसको हम तब इस्तेमाल करते हैं, और अगर मैंने पे किया होगा तो इतनी सारी ऑप्शन पे नहीं आऊँगा,
सीधा कीवर्ड पर आऊंगा अगर मैंने इसको पे किया होगा। SEO के टूल्स है ना वो मिल जाते हैं तकरीबन 2,000-2,500 रुपए में, काफ़ी सारे टूल्स होते हैं मगर वो मंथली होते हैं, यानी कि उसकी लाइफ सिर्फ 30 दिन होती है, 30 दिन के बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं। अगर आप तजर्बा करना चाहते हो तो वंस परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चले, इसका मतलब है हम क्या करेंगे फिर, मतलब ये तो हमने आपको बताया कि ये तो भाई नहीं कर पाएंगे, मुफ्त में नहीं कर पाएंगे ना, ये हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे गूगल कीवर्ड प्लानट जो हमने गूगल ऐड में यूज़ किया था। आप सबको मैंने अकाउंट बनाकर दिया हुआ कि नहीं, गूगल कीवर्ड प्लानट का गूगल ऐड पढ़ा ना आपने, तो गूगल ऐड में मैंने सबको कीवर्ड प्लानट दिया था, गूगल ऐड बनाए थे क्या नहीं, प्रैक्टिस की थी, तो वो उसी की बात कर रहा हूँ, अभी प्रैक्टिस नहीं की ना, उसी ने नहीं किया माशाल्लाह, एम ही करी जा रहे हो कोर्स, अपना भी टाइम जाया करता हूँ, मुझे भी सुबह को बुला लेता हूँ। कीवर्ड प्लानर गूगल के अंदर है, सबको एक्सेस दिया हुआ है, गूगल ऐड में जाना है उसके अंदर प्लानिंग में कीवर्ड प्लानर मौजूद है, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा, आपको तो इतना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, अगर 3 बंदे हो गए ऐसा लगता है जैसे होम ट्यूशन ले रहे हो, आपको पता है ना पहले कैसे रश लगा हुआ था क्लास में, और अब तो समझने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई हैं 1 महीने में, तो आपको कोशिश कर लीजिए, प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम यूज़ करेंगे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह, वो आएगा कैसे यूज़ करना है, लेकिन आपको समझ तब आएगा जब आप घर जाके प्रैक्टिस करोगे, वैसे नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, थ्रू कंपटीटर्स, ये मैंने बता दिया कि अपने कंपटीटर्स की वेबसाइट पे देखो कि उन्होंने क्या किया हुआ है, ठीक है। मिसाल के तौर पर देखिए, मैंने कंपटीटर की वेबसाइट को कैसे देखना है, यहाँ आके लिखा जी मैंने कॉर्पोरेट क्लीनर, मैं कहता हूँ ये आ गया ऊपर, ओके इस पर आ जाओ, इस वेबसाइट को खोल रहा हूँ मैं, ज़रा खुल गई, यही वेबसाइट है ना, तो इस पर आ जाते हैं, कारपेट क्लीनिंग पे आ जाते हैं, कंट्रोल सी, देखिएगा मैं क्या लिखने लगा, ऑनलाइन एसईओ चेकर, ये इस टूल पे जाइए, क्या लिखा हुआ है जी, seoability.net इंग्लिश SEO चेक, ये एक टूल है जो वेबसाइट की SEO को फ्री में चेक कर देगा, ये भी पेड टूल है लेकिन जितना काम हमें चाहिए होता है वो फ्री हो जाता है हमारा, और एक दिन में आप यहाँ पर 3 चेक कर सकते हो, और यही वाला ऐप जो है इसका नाम है SEO चेकर, इस तरह का इसका आइकॉन बना हुआ आएगा इस तरह का S, ये मेरे मोबाइल पर इंस्टॉल है, आप भी अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लें, उसका फ़ायदा क्या होगा कि उसमें आपको फ़ायदा ये है कि आप 1 से 3 से ज़्यादा चेक्स कर सकते हो, लैपटॉप पे आप 3 करोगे तो रोक देगा, क्योंकि एक दिन में फ्री में सिर्फ 3 है, चौथा नहीं है आपके पास, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ से दूसरे का तैयार किया, ये वाला ऐप आप भी अपने पास इंस्टॉल कर लो, इसका नाम है SEO चेकर मोबाइल के ऊपर, ये देखिए यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर वेबसाइट का नाम लिख देंगे सिर्फ, ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं अभी 3 तो कर ही सकता हूँ क्योंकि अभी दिन का स्टार्ट ही हुआ ना आज, तो जैसे मैं 3 कर लूँगा चौथा आदमी करेगा, अभी कहेगा कल कीजिएगा, क्या लिखा जी, कहता इसको नहीं मैं चेक कर सकता, मैं मेन डोमेन को चेक करता हूँ, ओके इस पे, अब देखते हैं हम क्या करते हैं आगे। अब ये इसे हमें ना एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या आ रहे हैं जी, इसके 100%, इसका मतलब है कि लिंकिंग इसकी अच्छी हो गई है, मैं इस वक्त हमने SEO शुरू कर रहे हैं ना, तो अभी हमने सिर्फ एक चीज़ को टारगेट किया होगा, वो क्या है, कीवर्ड्स, इसलिए हम सिर्फ इसमें से जाके ये सारी चीज़ें एंड पे चेक करनी है आपने, लेकिन अभी आप सबसे पहले सिर्फ इसके कीवर्ड देखें, ज़रा नीचे आते हैं और देखते हैं कि कीवर्ड हैं कहाँ पर, क्या कहता है, कीवर्ड्स एम्प्टी है, ओके नीचे आ जाओ, कोई बात नहीं, कीवर्ड्स नीचे आ रहे होंगे, एंड पे आ रहे होते हैं, आए मोर इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स के, भैया इसके मोर इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स कौन कौन से हैं देखें, बेस्ट क्लीनिंग सर्विसेज, क्लीनिंग सर्विसेज, पता लग गया मुझे, यानी इस तरह आपने क्या करना है, अपने कंपटीटर को आकर यहाँ से चेक करना है, इसने तो इसके कीवर्ड हमारी कंपनी से मैच नहीं कर रहे, इसने तो सिर्फ क्लीनिंग सर्विसेज लिखा है, क्लीनिंग में तो होम क्लीनिंग भी आ जाती है, ऑफिस क्लीनिंग भी आ जाती है,
कारपेट वॉशिंग नहीं है, ये एक्चुअली वो क्लाइंट नहीं है जो हमारा हम है, ठीक है, मतलब ये वो क्लाइंट नहीं है जो हम लोग हैं, जो सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं ना, ये वो वाला क्लाइंट नहीं है, लेकिन किस तरीके से हमें करनी है। जैसे अगर मैं देखूँ ना कारपेट वॉशिंग कौन कर रहा है, एक स्टेप स्टोर कर लेते हैं, अभी इसके लिए तो किसी कारपेट वॉशिंग वाली कंपनी को देखते हैं, साफ ये माहिर है जो इसको देखते हैं जी, ये क्या कर रहा है, ये हमारी है, ठीक है, ये इको वाला है, ये भी वॉशिंग कर रहा है ना, चलो इसको देखते हैं कि इसके इसके कीवर्ड्स हैं, ये ठीक है। अब आप देख रहे हो इसने भी वही यूज़ किया हुआ है, काम किया हुआ ना ऊपर। अब मैं ना इसको भी देखता हूँ, इसको भी वो नहीं करेगा, एसईओ चेक नहीं करेगा इसका, ने चेक कैसे होती है, अगर आपने चेक करना होगा वेबसाइट किस में बनी हुई है, आगे कुछ भी नहीं है इस पे तो, हैं इसके तो कोई रिजल्ट ही नहीं है, कोई एसईओ वगैरह का काम इसका नहीं किया हुआ इस जगह पर, उसने कहां पे ये कुछ और चीज आ गई है, क्या यूआरएल क्या था इस वेबसाइट का, इसको जरा रिफ्रेश कर ले पेज को, एक दो टेस्ट हुए हैं ना अभी, एक टेस्ट और हो सकता है, तीन करता है एक दिन में, ये था इधर से ले लेते हैं इसको, पीके तक ले लेते हैं, वो आगे जो है ना वो URL ऐसे URL नेम लिखा हुआ उसने, एक आखिरी टेस्ट है, नहीं है लगता, एक भी नहीं है, कह रहे ना यू हैव 03 लेफ्ट, एनीवेज करके देख लो, आ गया ना, इस साथ ये चीजें भी देखे जो एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, ट्राई इट फॉर फ्री, देखिएगा अब क्या होने लगा, विद गूगल एक दो टेस्ट और मिल जाएंगे अगर हम इसको लॉग इन कर लेंगे, साइन अप कर लेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं मिलेंगे, ज्यादा इस पे मिलते हैं मोबाइल पे, चलो अब ये नहीं होगा, ये किसी और के क्लाइंट का मोबाइल है, ठीक है, मेरे मोबाइल पे नहीं आ रहा इसलिए इसको हम नहीं कर पाएंगे, चलो जी ये तो एक और चीज हो गई, अब आगे चलते हैं, गूगल सर्च कंसोल, ये हम जब कीवर्ड्स को कंप्लीट करेंगे या एसईओ स्टार्ट करेंगे ना तो फिर हम स्टार्ट होगा, उस वक्त ही हमारा काम स्टार्ट होगा कि सर्च कंसोल क्या होता है, वहाँ से हमने शुरू करना है, तो ये सारे सोर्सेज हमारे पास होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम गूगल कीवर्ड प्लानर यूज़ करेंगे, तो मैंने आपको गूगल ऐड अकाउंट दिया हुआ है ना, आप उस गूगल ऐड अकाउंट में जाइए, इस जगह पर आएँ, देखें ads.google.com, सबको मैंने दिया हुआ है, बस है ना ads.google.com वाला, बस चलो इधर से आ जाओ, स्टूडेंट्स वाले में आ जाओ, पीक सॉल्यूशन, आगे यहाँ से हम जाते हैं एडमिन पे, ये आपके पास आएगा इसी तरह आप आओगे इसके अंदर, ठीक है, यहाँ से आप जाओगे एडमिन, बोल रहा हूँ टूल्स में, टूल्स में क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्लानिंग, प्लानिंग में ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, कीवर्ड प्लानर, इस जगह पर आप आ जाएंगे, ये मैं इंशाल्लाह अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, आगे ना, यहाँ क्या लेकर आने हैं हमने, सीड्स, जो हमारे समय रहते हैं ना सीड, इसको हम सीड प्रोवाइड करेंगे, ये हमें उसके कीवर्ड प्रोवाइड करेगा, कैसे हमें कीवर्ड अच्छा निकालना है इंशाल्लाह अगली क्लास में, ठीक है।